नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जीवन कोश। शरीर को हेल्दी रखने के लिए आपको सभी विटामिन और मिनरल्स की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार लोगों को विटामिन की कमी होने के बारे में पता ही नहीं चल पाता। कई लोगों में खून की कमी हो जाती है लेकिन इसे समझ नहीं पाते हैं। शरीर में खून की कमी होने से चक्कर आना, कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्याएं होने लगती है। इसके पीछे की मुख्य वजह है जब आपके ब्लड में रेड ब्लड सेल्स सामान्य से कम हो जाते हैं तो ऐसी कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों के दौरान भारत सहित दुनिया भर में एनीमिया पीड़ितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बदलती जीवन शैली यानी हमारे लाइफस्टाइल में बदलाव, हमारे खाने पीने की आदतों में होने वाला बदलाव इस समस्या की मुख्य वजह है। अगर देखा जाए तो एनीमिया वैसे कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये कई बीमारियों की वजह जरूर बन सकती है। समय रहते इस पर काबू पाकर सेहत संबंधी कई गंभीर समस्याओं से हम बच सकते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप में खून की कमी है। दोस्तों, अगर आप एनीमिया से पीड़ित हैं तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में आयरन की कमी है। ऐसा तब होता है जब खून में हीमोग्लोबिन स्तर सामान्य से भी बहुत नीचे चला जाता है। मुख्य रूप से एनीमिया का यही कारण होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा बनाए रखना बहुत जरूरी है। इसकी वजह से ही पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचता है। वैसे महिलाओं में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 से 14 के बीच में रहना चाहिए और पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 से 15 के बीच में होना सामान्य है। एनीमिया या आयरन की कमी के लक्षण बहुत सामान्य है। शरीर में थकान महसूस होना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या याददाश्त कमजोर होना भी इसके लक्षण है। महिलाओं में इरेगुलर पीरियड्स या फिर मूड स्विंग्स इसके महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है। कई लोगों में ये देखा गया है कि उनकी त्वचा पीली सी पड़ जाती है और दिल की धड़कनें अनियमित रहती है। सांस लेने में भी कठिनाई होती है, साथ ही सीने में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, हाथ और पैर ठंडे होना, कभी कभी कान नाक का भी ठंडा होना, ये सब लक्षण आयरन की कमी के हैं। इसके अलावा हेयर फॉल, साथ ही क्रैक स्किन, गले और जीभ में सूजन भी एनीमिया के ही लक्षणों में आता है। दोस्तों, एनीमिया होने का मुख्य कारण विटामिन B12 या फोलिक एसिड और आयरन की कमी है। इसीलिए आपको अपनी डाइट में इन सब न्यूट्रिएंट्स का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना है। अंकुरित दालों में भरपूर मात्रा में आयरन होता है। खून की कमी को पूरा करने के लिए हर रोज अंकुरित दालों का सेवन करना चाहिए। इसमें आप मूंग, सोयाबीन, चना और उड़द ये सब दालें ले सकते हैं और इनका सलाद बना सकते हैं। 100 ग्राम अंकुरित दाल में 10.44 मिलीग्राम आयरन होता है। ओट्स से बेहतर सुबह का नाश्ता और कुछ हो ही नहीं सकता। इसमें फैट की मात्रा बहुत कम होती है और आयरन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इससे आपका पेट भी भरा रहता है और आसानी से पच भी जाता है। 100 ग्राम ओट्स में करीबन 6 मिलीग्राम आयरन होता है। दोस्तों, वैसे मशरूम को शाकाहारियों का मांस कहा जाता है। अगर आप मांसाहारी नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी सब्जियों से ज्यादा मशरूम में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है। मशरूम की 100 ग्राम मात्रा में करीबन 11.90 मिलीग्राम आयरन होता है, जो दैनिक जरूरत के हिसाब से पर्याप्त होता है। बेरीज के बारे में लोग नहीं जानते कि इनमें भी आयरन होता है, लेकिन इनमें भी कुछ मात्रा में आयरन होता है। रोज सुबह नाश्ते में दही और शहद के साथ बेरीज का सलाद खाएं। इससे आप दिन भर तरोताजा भी महसूस करेंगे। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होती है और इनकी 100 ग्राम मात्रा में लगभग 2 मिलीग्राम आयरन पाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, खाने में गुड़ चने का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि काला गुड़ खाने की आदत पड़े। ये हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत ही मददगार होता है। साथ ही जब भी आप घर पर सब्जी बनाएं तो उसे लोहे की कढ़ाई में बनाएं। इससे खाने में आयरन की मात्रा काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि एनीमिया का रिस्क किसे सबसे ज्यादा होता है। दरअसल ये ब्लड डिसऑर्डर जेनेटिक होता है, इसीलिए जिन लोगों को एनीमिया है उनके बच्चों को इसका खतरा हो सकता है। पीरियड्स के कारण महिलाओं को ज्यादा खतरा होता है। डायबिटीज के रोगियों को भी एनीमिया का खतरा ज्यादा रहता है, इसीलिए उन्हें अपनी डाइट में आयरन से भरपूर चीजों का सेवन करना चाहिए और अपनी डायबिटीज हमेशा कंट्रोल में रखनी चाहिए।
दोस्तों, आयरन की कमी प्रेगनेंसी में भी होती है, इसलिए प्रेगनेंसी में महिलाओं को आयरन सप्लीमेंट दिए जाते हैं और उन्हें उसका रेगुलर सेवन करना होता है। तो दोस्तों, आज से ही अपनी डाइट में आप आयरन इनटेक का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आयरन की कमी आपके अंदर नहीं होगी तो आपको डायबिटीज, बीपी, किडनी से रिलेटेड कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसीलिए आज से ही अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियों को इंक्लूड करें, साथ ही जो हमने आपको बताए हैं गुड़, बीन्स, इन सब चीजों को भी इंक्लूड करें और एनेमिक होने से बचें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे ही कई अन्य वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।